पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी घमासान से जुड़ी हुई खबर यह है। सीएम अमरिंदर सिंह चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। कांग्रेस ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो लगातार बारी बारी से पंजाब के विधायकों, मंत्रियों, असंतुष्ट नेताओं से मुलाकात कर रही है। नवजोत सिंह सिद्धू भी उसमें शामिल हैं और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह भी दिल्ली आ रहे हैं। कल दिल्ली में 3 सदस्यीय कमेटी से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब में अगले साल चुनाव है और उससे पहले कांग्रेस के अंदर ये उथल पुथल पार्टी लीडरशिप को रास नहीं आ रही है, इसलिए 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी से कल मिलेंगे कैप्टन। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। मोहित, कैप्टन रवाना हो चुके हैं या कल आएंगे या अभी थोड़ी देर में रवाना होंगे और कल मुलाकात कब होनी है ये? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो हेलीकॉप्टर है वो दिल्ली के लिए उड़ान भर चुका है और जो अभी तक हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो मीडिया के साथ आधिकारिक तौर पर शेयर किया जा रहा हो, सिर्फ जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है वही हम आपको बता रहे हैं। हालांकि जो हेलीकॉप्टर उड़ने की जानकारी थी वो 11:30 बजे यहाँ से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, वो सीधा जाकर सोनिया गांधी से मिलेंगे ऐसा बताया जा रहा है और उसके बाद आज शाम को या फिर शुक्रवार को सुबह जो 3 सदस्य कमेटी बनाई गई है आलाकमान के द्वारा उसके सामने वो पेश होंगे, अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि अब तक तमाम विधायक मिल चुके हैं उस कमेटी से, तमाम सांसद मिल चुके हैं, पूर्व सांसद, बड़े जो पंजाब कांग्रेस के नेता हैं उनकी मुलाकात हो चुकी है, नवजोत सिंह सिद्धू जो इस पूरे के पूरे आक्रोश का झंडा बुलंद किए हुए हैं उनकी मुलाकात हो चुकी है, प्रताप सिंह बाजवा जो कैप्टन के धुर विरोधी हैं उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या बात कहेंगे देखने वाली बात होगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ वो गए हैं। और एक और आपको अपडेट दे दूं, आम आदमी पार्टी के 3 बागी विधायक जो कि अरविंद केजरीवाल से नाराज चल रहे हैं, पार्टी से अलग हो चुके हैं जी, वो यहाँ पर हेलीपैड पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ये संदेश दे सकते हैं कि पंजाब में वो अभी भी पूरे पावरफुल हैं, अलग अलग पार्टी है जो पक रहा है पंजाब कांग्रेस में, वो तो बात साफ है, लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आ रहे हैं, उनकी मुलाकात के बाद क्या कुछ सामने आता है इस पर नजर रखनी होगी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का खुद दिल्ली आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल अपडेट है और आप बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों से उनकी मुलाकात भी हुई हेलीपैड पर। बहुत शुक्रिया मोहित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी के 3 बागी विधायकों ने कैप्टन से मुलाकात की है जो मोहित अभी ब्रेक कर रहे थे। कैप्टन के दिल्ली आने से पहले आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मुलाकात की, आम आदमी पार्टी के 3 बागी विधायक हेलीपैड पर कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले और वापस चले गए, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ वो हेलीकॉप्टर पर सवार नहीं हुए। लेकिन आम आदमी पार्टी के इन 3 बागी विधायकों से क्यों मिल रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, आम आदमी पार्टी के इन बागी विधायकों से क्या मैसेज देना चाहते हैं, पार्टी के अंदर जिस तरह से उनका विरोध हो रहा है कि आलाकमान को कोई संदेश देने की कोशिश है कैप्टन अमरिंदर सिंह किसके जरिए, और कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आएंगे तो किस किस से मुलाकात करेंगे, सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं ऐसी जानकारी है। 3 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है जो लगातार पंजाब में कांग्रेस के अंदर जो असंतोष उभर रहा है, जो विरोधी नेता है कैप्टन के, उनसे बात करके इस पूरे मामले के लिए जो कमेटी बनाई गई है उससे भी मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।